गलीन एरिया के शुमाल में दूर दूर तक खुला मैदान था और एक टूटी फूटी सड़क भी मौजूद थी। उस वक्त सड़क पर एक जीप तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जोलिया डैनी के रूप में बैठी हुई थी और अकबी सीट पर सफदर मौजूद था। मैं तुम्हें उस मोहब्बत के करीब छोड़कर वापस चला जाऊंगा, आगे जो कुछ तुमने करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, हम दोनों भी अगर मिस जोलिया के साथ अंदर चले जाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने अचानक बोलते हुए कहा। नहीं, मैंने तुम्हें पहले बताया है कि डॉक्टर जोसेफ से फार्मूला सिर्फ उस सूरत में ही हासिल किया जा सकता है कि वो हर तरह से मुतमईन हो, और यकीनन उस स्पेशल वे के इर्द गिर्द उन्होंने हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे, इसलिए अगर हम दोनों चेक कर लिए गए तो फिर ये सुनहरी मौका जाया हो जाएगा, और तुम्हारे जहन में जो खदशा है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जोलिया मुझ समेत पूरी सीक्रेट सर्विस से ज्यादा होशियार, तेज और जहीन एजेंट है, इमरान ने जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो सफदर, मैं मोम की बनी हुई नहीं हूं कि पिघल जाऊंगी, जोलिया ने कहा। काश तनवीर यहां होता और वो ये फिक्र सुन लेता, वो इसे मोम समझता है कि कभी ना कभी बाहर हाल पिघल जाएगी, इमरान ने कहा तो सफदर के साथ साथ जोलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। लेकिन उसने इमरान की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। थोड़ी देर बाद इमरान ने एक दरख्त के करीब जाकर जीप को रोक दिया। बस इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है, अब यहां से तुम पैदल जाओगी, तुम्हारे पास सिर्फ रेड काशन है, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में उस पर हमें काशन दे सकती हो, इमरान ने कहा। ये बेहतर ना था कि मैं अपने साथ कोई वायरलेस पंप ही ले जाती, ताकि फार्मूला हासिल करने के बाद मैं वहां बम रख कर वापस आ जाती, जोलिया ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्या हुआ, क्या मतलब, क्या मैंने गलत बात की है, जोलिया ने उसे इस अंदाज में देखकर बेख्तियार बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैंने तुम्हें मशीन पिस्टल साथ नहीं रखने दिया और तुम कह रही हो कि बम साथ ले जाऊं, मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है कि तुम लेबॉरेटरी के अंदर जा रही हो, उस लेबॉरेटरी के अंदर जिसे रेड अलर्ट किया गया है, असला और बम वहां दाखिल होने से पहले ही चेक हो जाएंगे और फिर तुम खुद सोच सकती हो कि क्या होगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओह आई एम सॉरी, न जाने किस चौंक में ये बात मुंह से निकल गई, जोलिया ने कदरे शर्मिंदा होते हुए कहा। पूरे एतमाद से बात करना और बेफिक्र रहना, हमें मालूम है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से तुम कामयाब लौटोगी, इमरान ने कहा। शुक्रिया, जोलिया ने कहा और फिर जीप से उतरकर वो पैदल आगे बढ़ गई, जबकि इमरान ने जीप को वापस मोड़ा और फिर जीप की आवाज आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देना बंद हो गई। जोलिया बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ी चली जा रही थी, इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी थी, और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूर से एक टूटा फूटा गार सा नजर आने लग गया। जोलिया समझ गई कि यही वो मोहब्बत है जिसके तहखाने से लेबॉरेटरी के स्पेशल वे का रास्ता बनाया गया है। वो चलती हुई आती बढ़ती चली गई, लेकिन जैसे ही वो उस मोहब्बत के करीब पहुंची अचानक ठिठक कर ना सिर्फ रुक गई बल्कि उसने उस जमीन पर इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे घास चरती हुई किसी
हरनी को अचानक किसी शिकारी की बू आती है और वो चौंकना होकर इधर उधर देखती है, लेकिन हर तरफ ना सिर्फ खामोशी छाई हुई थी बल्कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर ना आ रहा था। जोलिया चंद लम्हों बाद आगे बढ़ी और फिर उस टूटे फूटे मोहब्बत में दाखिल हो गई। मोहब्बत खाली पड़ा हुआ था। जोलिया को इत्मीनान हो गया कि उसका खदशा गलत है और फिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो तहखाना तलाश करने में कामयाब हो गई। फिर वो जो ही तहखाने में दाखिल हुई, अचानक उससे अपने अकब में आहट महसूस हुई तो वो बिजली की सी तेजी से मुड़ी, लेकिन दूसरे लम्हे कोई चीज हल्के से धमाके के साथ ही उसके पैरों में गिरी। जबकि उस रास्ते से वो तहखाने में दाखिल हुई थी वहां कोई भी और मौजूद ना था। वो अभी उस हल्के से धमाके पर उछली ही थी कि यकलख्त उसका जहन किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमने लग गया। उसने अपने आप को कंट्रोल करने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसुध उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। फिर जिस तरह तारीकी में रोशनी फैलती है, उस तरह उसके तारीख जहन में रोशनी फैलती चली गई। उसका शऊर जैसे ही पूरी तरह बेदार हुआ और उसकी आंखें खुली तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म सिर्फ कसमसा कर रह गया और उसके साथ ही उसको अंदाजा हो गया कि वो उस खंडर के तहखाने की बजाय किसी कमरे में मौजूद है। वो लकड़ी की कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके जिस्म को रस्सी से बांधा गया था, जबकि सामने कुर्सियों पर दो आदमी बैठे हुए थे, जबकि एक आदमी उनके अकब में खड़ा था। एक तरफ जदीदतरीन मेकअप वाशर भी स्टैंड पर रखा हुआ था। कमरे की साख्त बता रही थी कि यह कमरा जेरे जमीन है। इमरान तुम्हें कहां तक छोड़ गया था, अचानक सामने बैठे हुए एक आदमी ने कहा तो जोलिया बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि वो तो उनसे ही पहचान गई थी कि ये ड्रैक है, क्योंकि इमरान ने उसके सामने ही डैनी के ऑफिस से ड्रैक से बात की थी और लाउडर की आवाज से वो उसकी आवाज सुनती रही थी। ये तुमने क्या किया है ड्रैक, मुझे इस तरह बांधने का क्या मतलब हुआ, जोलिया ने डैनी की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। इमरान ने उसे डैनी की आवाज और लहजे में बात करने की बाकायदा मशक कराई थी तो जोलिया की आवाज और लहजा सुनकर ड्रैक बेख्तियार हंस पड़ा। क्या तुम समझ रही हो कि अभी तुम्हारे चेहरे पर डैनी का मेकअप मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, अब तुम अपने असल एशियाई हुलिये में हो, ड्रैक ने कहा। जब मैं हूं ही डैनी तो फिर किसी मेकअप का क्या सवाल, यह तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम गद्दारी पर उतर आए हो, जोलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। उसे अलबत्ता ये तसल्ली थी कि डबल मेकअप की वजह से उसका असली चेहरा सामने नहीं आया। सुनो लड़की, तुम्हारा जो भी नाम है मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। तुम इमरान और उसके दीगर साथियों समेत डैनी के स्पेशल ऑफिस में दाखिल हुए। वहां तुमने डैनी को बेबस करके कुर्सी पर बांध दिया और खंजर से उसके दोनों नथने काट कर उसकी पेशानी पर जरबे लगा कर उससे पूछगुछ की। ये सब कुछ हम अपने ऑफिस में बैठे देखते रहे। फिर इमरान ने डैनी की आवाज और लहजे में मुझसे फोन पर बात की और मेरे बाद उसने डॉक्टर जोसेफ से बात की। डॉक्टर जोसेफ और डैनी के दरमियान गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए डॉक्टर जोसेफ डैनी के लिए स्पेशल वे खोलने पर रजामंद हो गया, लेकिन जाहिर है हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते थे, इसलिए हम वहां मोहब्बत में पहुंच गए। हमारा ख्याल था कि तुम्हारे साथ इमरान और दीगर साथी भी आएंगे, लेकिन तुम अकेली वहां पहुंच गई, इसलिए तुम्हें हलाक करने की बजाय बेहोश करके यहाँ लाया गया। अब तुम खुद ही हमें बताओगी कि इमरान और उसके साथी कहाँ हैं, और ये भी सुन लो कि जिस बेरहमी और सफाकी से तुमने डैनी से पूछगुछ की है, ये मेरा साथी हाइक उससे भी ज्यादा बेरहमी और सफाकी से तुमसे पूछगुछ कर सकता है, और यहाँ इमरान और उसके साथी भी मौजूद नहीं है जो तुम्हें बचा सकें, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक बहरहाल सरकारी एजेंसी से है और हमारा ताल्लुक भी सरकारी एजेंसी से है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो इमरान और अपने साथियों के बारे में तफसील बता दो, ड्रैक ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो जोलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। जाहिर है जो कुछ ड्रैक कह रहा था वो दुरुस्त था,
इसलिए अब मजीद अपनी बात पर इसरार करना हमाकत ही थी। इमरान का तैयार करता सारा सेटअप पहले ही कदम पर राख का ढेर बन गया था। मेरा नाम मार्गरेट है और मैं वाकई इमरान की साथी हूं, जोलिया ने कहा। लेकिन तुम्हारा नाम क्या मतलब? क्या वहां ऐसे नामों के लोग भी रहते हैं? ड्रैक ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं पाकेशिया की ना सिर्फ शहरी हूं बल्कि मेरे अबाव अजदाद भी वहीं रहते चले आए हैं, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, होगी, लेकिन अब तुम हमें बताओ कि तुम्हारा इमरान से रब्ता कैसे होगा? क्योंकि हमने तुम्हारी तलाशी ली है लेकिन तुम्हारे पास ना कोई असला है और ना ही कोई ऐसा आला जिससे रब्ता हो सके, ड्रैक ने कहा। मेरा टास्क सिर्फ डॉक्टर जोसेफ से फार्मूले का हसूल था और उसके लिए किसी असला वगैरह की जरूरत ना थी। और जहां तक इमरान से रब्ते का ताल्लुक है तो चूंकि उसकी जरूरत ना थी इसलिए उसने ऐसा कोई आला साथ नहीं रखा, जोलिया ने जवाब दिया। इमरान और उसके साथी अब कहां हैं? ट्रैक ने कहा। वो मुझे इस मोहब्बत से तकरीबन 2 मील पहले छोड़कर चले गए हैं। मेरे और उनके दरमियान तय हुआ था कि मैं फार्मूला हासिल करके वापस शहर पहुंचूंगी तो होटल रेजर्ट में रहूंगी, वहां इमरान खुद मुझसे रब्ता कर लेगा, जोलिया ने कहा। ये अब तुम्हारा काम है कि इससे वो सब कुछ उगलवाओ जो मालूम करना चाहता हूं, ड्रेक ने यकलख्त गर्दन मोड़कर पीछे बैठे हुए आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, उस आदमी ने उठते हुए कहा। क्या तुम अहमक हो? अचानक जोलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अहमक नहीं हूं लेकिन तुम मुझे अहमक समझ रही हो क्योंकि जो कुछ बताया है वो सब गलत है, इसलिए अब असल बात हाइक पूछेगा और उसके बाद तुम इस काबिल न रहोगी कि किसी को अपना चेहरा दिखा सको, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं कि सब कुछ सच सच बता दो, ड्रैक ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अगर मैं बता दूं तो तुम क्या करोगे? जोलिया ने कहा। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और इमरान को घेर लूंगा, ड्रैक ने कहा। पहले ये बताओ कि ये कौन सी जगह है, क्या ये लेबोरेटरी है, जोलिया ने कहा तो ड्रैक बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, हम उसे जीरो एरिया कहते हैं, ये लेबोरेटरी से काफी फासले पर एक अलग इमारत है, लेबोरेटरी का इस इमारत से कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रैक ने कहा। तो फिर इमरान का अंदाजा दुरुस्त था, जोलिया ने कहा तो ड्रैक बेख्तियार चौंक पड़ा, जबकि हाइक को ड्रैक ने हाथ के इशारे से दोबारा बैठने का कह दिया था इसलिए वो बैठ गया था। क्या क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम, ड्रैक ने कहा। तुमने ये तो सुना हुआ होगा कि शिकार करने के लिए चारा इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा ही इमरान ने किया है, मुझे उसने इसलिए यहां भेजा था कि उसे मालूम था कि तुम मुझे पकड़कर मुझसे पूछ गुछ करोगे, ऐसा यकीनन लेबोरेटरी से बाहर होगा, इस तरह तुमने सिर्फ लेबोरेटरी से बाहर आ जाओगे बल्कि स्पेशल वे की तरफ से भी मुतमिन हो जाओगे, उसके बाद वो इत्मीनान से काम करेगा, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो उसका ख्याल था कि तुम मुझे हलाक नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारी फितरत को जानता है और उसे मेरे बारे में भी मालूम है, तुम जैसी फितरत रखने वालों के लिए मेरी क्या हैसियत है, जोलिया ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओह ओह, वेरी बैड, ओह हाइक, फौरन उस स्पेशल वे को बंद करो, मैं लेबोरेटरी जा रहा हूं और उसे गोली मार दो, ड्रैक ने एक झटके से उठते हुए कहा। तो हाइक भी उठ खड़ा हुआ। डेविड, इसे गोली मार दो, हाइक ने अपने अकब में खड़े आदमी से कहा और उसके सर हिलाने पर वो और ड्रैक दोनों कमरे से बाहर निकल गए। तो उस आदमी ने जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकाल लिया। एक मिनट रुक जाओ,
मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही, जोलिया ने कहा। मैं चीफ ड्रैक की फितरत का आदमी नहीं हूं, डेविड ने होंठ पिंचते हुए कहा। ना होगे, लेकिन मेरी बात सुन लो, गोली तो तुमने बाहर हाल मारनी है, मार लेना, जोलिया ने कहा। तुम वाकई बहादुर और हौसलामंद औरत हो, वरना आम औरतों का लहजा ऐसा नहीं होता। मौत को सामने देखकर चीखने चिल्लाने और पीक मांगना शुरू कर देती हैं, डेविड ने कहा। तुम्हारे रिमार्क्स का शुक्रिया, ये बताओ कि क्या वाकई हम लेबोरेटरी से दूर हैं, जोलिया ने कहा। हाँ, काफी दूर हैं, डेविड ने कहा, और मशीन पिस्टल का रुख उसने जोलिया की तरफ सीधा कर दिया। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? अब भी तो मेरी तारीफ कर रहे थे, जोलिया ने कहा। कैसी ख्वाहिश? डेविड ने चौंककर पूछा। सिर्फ इतनी कि तुम मुझे पानी पिलवा दो, जोलिया ने कहा। मैं पहले तुम्हारी रस्सियां चेक कर लूं, फिर जाऊंगा, डेविड ने कहा। बेशक, चेक कर लो, जोलिया ने कहा। तो डेविड आगे बढ़ा, उसने कुर्सी के गिर्द घूमकर रस्सियां चेक की और फिर मुतमैन अंदाज में चलता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, जोलिया के दोनों हाथ जो उसके अकब में बंधे हुए थे हरकत में आ गए। वो पहले ही गांठ को चेक कर चुकी थी और गांठ इस अंदाज में बांधी गई थी कि ये अक्रेमियन एजेंटों का मखसूस अंदाज था। जोलिया और उसके साथियों ने ऐसी गांठों को खोलने की तरबियत हासिल की हुई थी, इसलिए चंद लम्हों में ही वो गांठ खोल लेने में कामयाब हो गई और उसके साथ ही दूसरी रस्सियां ढेर हो गईं। तो उसने बिजली की सी तेजी से रस्सियां खींचकर अलहदा की और फिर उछलकर खड़ी हो गई। उसी लम्हे दरवाजा खुला और डेविड हाथ में पानी की एक बोतल उठाए अंदर दाखिल हुआ। क्या क्या मतलब? डेविड ने जोलिया को खड़े देखकर बेख्तियार ठटकते हुए कहा। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं भी कुछ कर सकती हूं, जोलिया ने बड़े मीठे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। ओह ओह, तुम? डेविड ने यकलख चौंकते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल जोलिया पर मारने की कोशिश की, लेकिन जोलिया ने हाथ घुमाया और बोतल उसके हाथ से टकरा कर दूर कोने में जा गिरी। और फिर उससे पहले कि डेविड जेब से मशीन पिस्टल निकालता, जोलिया ने उस पर हमला कर दिया और दूसरे लम्हे डेविड चीखता हुआ एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। उसने जोलिया के हमले से बचने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन जोलिया ने दाएं हाथ को हरकत देकर यकलख बाएं हाथ की भरपूर जरब उसकी गर्दन पर लगाई थी। फिर जैसे ही डेविड नीचे गिरा, जोलिया की लात घूमी और डेविड की कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही भरपूर जरब ने उसे दुनिया माफिया से बेगाना कर दिया और उसका जिस्म एक झटका खाकर सीधा हुआ और उसके साथ ही उसकी आंखें बंद होती चली गईं। जोलिया ने बिजली की सी तेजी से झुककर उसकी जेब से मशीन पिस्टल खींचा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके चेहरे पर हैरत थी, क्योंकि ये वाकई एक ज़रई फार्म जैसी इमारत थी जिसके इर्द गिर्द सिवाय घास फूस और दरख्तों के कुछ नहीं था, और इस इमारत में सिवाय इस डेविड के और कोई आदमी भी मौजूद न था, अलबत्ता यहाँ फोन मौजूद था। जोलिया ने मशीन पिस्टल का रुख डेविड के सीने की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही डेविड के जिस्म ने यके बाद दीगरे कई चटके खाए और फिर साकेत हो गया। जोलिया वापस मुड़ी और उस कमरे में आ गई जहां फोन मौजूद था। अभी वो फोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी कि यकलख उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, तो वो बिजली की सी तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई बाहर बरामदे में आ गई। उसके साथ ही उसने एक हेलीकॉप्टर को इमारत के ऊपर मौजूद चेक कर लिया। वो तेजी से एक चौड़े सतून की ओट में हो गई। दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर ज़राई फार्म की इमारत के एक हिस्से में उतर गया। हेलीकॉप्टर रुकते ही उसमें से दो अफराद तेजी से बाहर आ गए, लेकिन उन दोनों में ना कोई ड्रैग था और ना ही हाई, बल्कि ये कोई और लोग थे।
डेविड हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, एक आदमी ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा। वो लड़की खूबसूरत थी इसलिए क्या कहा जा सकता है, दूसरे आदमी ने बड़े शैतानी लहजे में कहा तो जोलिया ने यकलख्त ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही वो दोनों चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे। उनमें से एक तो चंद लम्हों बाद ही साकेत हो गया जबकि दूसरे की टांगों को निशाना बनाया गया था, इसलिए वो नीचे पड़ा तड़प रहा था। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो वरना, जोलिया ने आगे बढ़कर उसकी कनपट्टी पर रिवाल्वर रख दिया। डार्सन, डार्सन, उस आदमी ने डूबते हुए लहजे में कहा। ड्रैक कहाँ है बोलो, जोलिया ने कहा। वो चीफ लेबोरेटरी में वापस चला गया है, उसने हमें भेजा है कि तुम्हें साथ ले आए, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा, और उसके साथ ही उसने एक हिचकी ली और उसकी आंखें बेनूर हो गईं, तो जोलिया सीधी खड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि हाइक यकीनन वहां उस टूटे फूटे मोहब्बत में गया होगा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो इस हेलीकॉप्टर पर शहर जाएगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि इमरान से बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। चुनांचे वो तेजी से मुड़ी और फोन की तरफ बढ़ गई, लेकिन जब उसने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो बेख्तियार उसका मुंह बन गया क्योंकि रिसीवर में टून ही न थी। वो रिसीवर रखकर मुड़ी और फिर उसने उस इमारत की तलाशी लेना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक खुफिया अलमारी तलाश करने में कामयाब हो गई। इस अलमारी में जदीद साख्त का असला मौजूद था जिसमें गैस पिस्टल्स और उनके मखसूस मैगजीन के साथ साथ इंतहाई ताकतवर बम, मशीन पिस्टल और उनके मैगजीन भी मौजूद थे। इस असले को देखते ही जोलिया के जहन में फौरन ही एक नया मंसूबा तरतीब पा गया। उसने सोचा कि वापस इमरान के पास जाने की बजाय क्यों ना वो उस हेलीकॉप्टर पर सवार होकर उस टूटे फूटे मोहब्बत में वापस जाए और वहां मारकर उस स्पेशल वे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसने जरूरी असला अलमारी से निकाला और वो वापस आकर हेलीकॉप्टर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। काफी बुलंदी पर पहुंचकर जोलिया ने एक लंबा राउंड लगाया और उस मोहब्बत को तलाश करना चाहती थी, लेकिन मोहब्बत उसे कहीं नजर ना आ रहा था, तो उसने सोचा कि वो पहले शहर पहुंचे और फिर उस रुख से आगे बढ़े जिस रुख पर इमरान उसे जीप पर सवार करके छोड़ गया था। चुनांचे उसने हेलीकॉप्टर का रुख शहर की तरफ कर दिया जिधर दूर शहर की बुलंद इमारतें छोटी छोटी माचसों जैसी नजर आ रही थी। अभी वो थोड़ी आगे बढ़ी होगी कि साइड से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी तो जोलिया बेख्तियार चौंक पड़ी, लेकिन उसने ट्रांसमीटर ऑन ना किया क्योंकि उसे बहरहाल मालूम था कि उसने जो भी जवाब दिया उसे चेक कर लिया जाएगा। देर तक कॉल आती रही लेकिन फिर ट्रांसमीटर ऑफ हो गया तो जोलिया ने एक ख्याल के तहत तेजी से ट्रांसमीटर पर इमरान की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो, हेलो, मार्गरेट कॉलिंग ओवर, जोलिया ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, माइकल बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद ही ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी तो जोलिया ने उसे मुख्तसर अल्फाज में तफसील बता दी। ओह, तुम फौरन शहर के आगाज में पहुंचकर हेलीकॉप्टर उतार कर छोड़ दो वरना हेलीकॉप्टर हिट भी हो सकता है। जल्दी करो और फिर टैक्सी में सवार होकर 0x पहुंच जाओ, फौरन, ओवर, इमरान ने तेज लहजे में कहा। मैं तो सोच रही थी कि उसी कार्रवाई को दोबारा शुरू कर दूं, ओवर, जोलिया ने कहा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा, इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो जोलिया ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर हेलीकॉप्टर की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो शहर के आगाज में पहुंच गई तो उसने एक मुनासिब जगह पर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतार दिया और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाती उस तरफ को बढ़ने लगी जहां बड़ी सड़क थी। जहां उसने ट्रैफिक चलती देखी थी, तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद वो उस सड़क पर पहुंच गई और थोड़ा सा इंतजार करने के बाद उसे एक खाली टैक्सी मिल गई।
उसने टैक्सी ड्राइवर को रेड बार चलने के लिए कहा तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद ड्राइवर ने टैक्सी एक मंजिला इमारत के सामने जाकर रोक दी। उस इमारत पर रेड बार का बोर्ड मौजूद था। जोली ने किराए के साथ टिप दी और फिर तेज तेज कदम उठाती रेड बार की तरफ बढ़ती चली गई, लेकिन उसके मेन गेट के करीब जाकर वो मुड़ी और एक बार फिर वो सड़क पर पहुंच गई। वहां से वो पैदल चलती हुई कुछ आगे जाकर एक गली में मुड़ी। ये गली आगे से बंद थी। जोलिया ने तकरीबन गली के अख्ताम पर पहुंचकर वहां मौजूद एक दरवाजे पर तीन बार मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सफदर मौजूद था। ओह आप आइए, सफदर ने एक तरफ हटते हुए कहा। जोलिया अंदर दाखिल हो गई। एक कमरे में इमरान, तनवीर और कैप्टन शकील मौजूद थे। इमरान कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था। आई एम सॉरी माइकल, मैं नाकाम रही हूं, जोलिया ने उदास लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्करा दिया। हालांकि तुमने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो शायद हम में से कोई भी सर अंजाम न दे सकता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो जोलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। कैसा कारनामा? मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आई हूँ। वैसे अगर तुम मुझे सख्त लहजे में वापसी का ना कहते तो मैं जबरन उस लेबॉरेटरी में दाखिल होकर उसे तबाह करके ही वापस आती, जोलिया ने कहा। तुमने हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर से जो कॉल की है वो बाकायदा कैच की गई है और इस तरह वो मखसूस फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई है जहां कॉल कैच की जा रही थी, और इस फ्रीक्वेंसी से मैंने लेबॉरेटरी का दुरुस्त महले वकू मालूम कर दिया है, इमरान ने कहा। ओह लेकिन उससे क्या होगा, जोलिया ने कहा। असल मसला इस एरिया में लेबॉरेटरी का दुरुस्त महले वकू मालूम करना था, क्योंकि वहां यकीनन और भी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा होगा और उस स्पेशल वे को अब तक यकीनन अंदर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया होगा क्योंकि ड्रैक बेहद तेज एजेंट है, इमरान ने कहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इमरान साहब के ड्रैक और हाइक वापस जाते हुए जोलिया को हलाक क्यों नहीं किया। हालांकि बजायर है अब जोलिया से कोई काम लेना बाकी न रह गया था, सफदर ने कहा। वो जोलिया के जरिए हमें ट्रेस करना चाहते थे, इमरान ने कहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो डेविड को मुझे हलाक करने का ना कहकर वापस जाते, जोलिया ने कहा। ये सब ड्रामा था, तुम्हें सिर्फ बेहोश करके वहां से कहीं और डाल दिया जाता और फिर तुम लाजमन वापस हमारे पास पहुंचती और इस तरह ड्रैक और उसका ग्रुप हमारे सरों पर मौजूद होता, लेकिन तुमने उनकी सारी स्कीम इस तरह खत्म कर दी कि उससे पहले कि तुम्हें बेहोश करता और तुम्हारे लिबास में कोई खुफिया आला छुपाते, तुमने डेविड को हलाक कर दिया। और वो हेलीकॉप्टर इसीलिए वहां भिजवाया गया था कि वो तुम्हें वहां से उठाकर शहर के करीब छोड़ देते, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। ओह वाकई ये बेहतरीन ट्रैप था, लेकिन मिस जोलिया ने उनका मंसूबा उस डेविड को हलाक करके उल्ट दिया, सफदर ने कहा। लेकिन क्या उन्हें यह मालूम नहीं हो सका होगा कि हेलीकॉप्टर मैंने उड़ाया है, क्या वो अब हमारे पीछे नहीं आएंगे, जोलिया ने कहा। उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उससे पहले कि वो कामयाब होते तुमने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया और उसीलिए मैंने तुम्हें सख्त लहजे में कहा था कि जल्दी वापस आओ, क्योंकि जिस ताकत का हेलीकॉप्टर में ट्रांसमीटर नस्ब था उससे साफ पता चलता था कि हेलीकॉप्टर रेड कंट्रोल में है और वो उसे किसी भी वक्त कंट्रोल में कर सकते हैं, इमरान ने कहा। आखिर अब भी तो वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, जोलिया ने कहा। अब ये उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश करेंगे और इस तरह वो रेड क्लब तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं, इमरान ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? क्या तुम यहां से मेरी नकलो हरकत की निगरानी कर रहे थे?
जोलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं शरीफ आदमी हूं, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि किसी नामहरम खातून की निगरानी इस अंदाज में करूं कि उसे मालूम ही ना हो। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इलम है, तुमने लाजमन उन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा होगा कि टैक्सी ड्राइवर को तलाश किया जा सकता है और उसे मालूम किया जा सकता है, इसलिए तुमने खुद ही ऐसा किया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुमने बात तो इतने यकीन से की थी कि जैसे तुम सब कुछ खुद देख रहे थे, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो किस पर होता, इमरान ने कहा। तो जोलिया का चेहरा यकलख्त गुलनार सा हो गया। अब यहाँ बैठे सिर्फ गप्पे ही हांकनी है या हमने कोई काम भी करना है। एक साइड पर खामोश बैठे हुए तनवीर ने यकलख्त उसी लहजे में कहा। काम करने की कोई लाइन ऑफ एक्शन भी तो मिले या ऐसे ही मुंह उठाए बगैर देखे चल पड़े, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। माइकल बोल रहा हूं, आज इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। ऑस्टर बोल रहा हूं, आपका काम हो गया है। दूसरी तरफ से एक करख्त सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। अच्छा, क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल गलीन एरिया की दूसरी चेक पोस्ट पर जार्ज रेनॉल्ड इंचार्ज है। तुमने वहां पहुंचकर उसे ब्लैक ऑस्टर कहना है। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अपनी मखसूस वैगन में 3X सपाट पर पहुंचा देगी। उसके बाद तुम्हारा अपना काम होगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ये 3X सपाट कहां होगा, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, ये वो सपाट है जिसके बाद चेकिंग नहीं होती। अगर कोई चेकिंग होती है तो वो वहां के प्रोजेक्ट्स की अपनी होती है, गलीन एरिया की जनरल चेकिंग नहीं होती, ऑस्टर ने जवाब दिया। क्या जार्ज खुद हमारे साथ जाएगा, इमरान ने कहा। हाँ, उसे जाना होगा क्योंकि उस वक्त वो जनरल शिफ्ट इंचार्ज है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ठीक है, थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कौन था, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहां एक ग्रुप है जो गलीन एरिया में सप्लाई का धंधा करता है, उसके साथ ही उसने यहाँ एक नाइट क्लब भी बनाया हुआ है। उस सप्लाई के धंधे के लिए उसे यहाँ बड़े अफसरों को रिश्वत देना पड़ती है, इसलिए ये लोग क्लब में आते जाते रहते हैं। उस ग्रुप का इंचार्ज भी ऑस्टर है। ऑस्टर की टिप मैंने एक्रेमिया फोन करके एक आदमी से ली और उसने ऑस्टर को मेरे बारे में ब्रीफ भी कर दिया। चुनांचे मैंने ऑस्टर से बात की और ऑस्टर ने मुझे बताया कि वो शिफ्ट इंचार्ज को मुआवजा और क्लब में मुराहत के इवजराजी कर लेगा। उसके बाद उसका फोन आया और तुमने भी उसे सुना है, इमरान ने कहा। ये सारा काम तुमने कब किया है, जोलिया ने कहा। तुम्हारी कॉल मिलने के बाद, क्योंकि तुम्हारी उस स्पेशल वे से नाकामी के बाद अब और कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय उसके कि हम अब बराह रास्त आगे बढ़ें और यहाँ गलीन एरिया में स्पेशल जनरल चेकिंग मौजूद है, उससे गुजरे बगैर हम किसी सूरत अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए ये काम करना पड़ा, इमरान ने कहा। तो सबने असबात में सर हिला दिए। इमरान साहब, लेबॉरेटरी यकीनन अंडरग्राउंड होगी, इस सूरत में उसे कैसे ट्रेस किया जाएगा, कैप्टन शकील ने कहा। मेरे पास ट्रांसमीटर मौजूद होगा और मुझे उस ट्रैक की फ्रीक्वेंसी का इल्म हो गया है, बाकी काम वहां जाकर हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।